अगर आप फ्लैश टीवी सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि फ्लैश सीजन 5 का मेन विलेन है सेकाडा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सेकाडा की ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये कैरेक्टर 1800 के पीरियड में बॉर्न होता है और इसका रियल नेम है डेविड हर्श। डेविड एक आर्किटेक्ट है और कैथलिक चर्च में प्रीचर है। डेविड अपनी वाइफ एलिजाबेथ को फिजिकली अब्यूज करता था और एक दिन उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसे काफ़ी रिग्रेट फील हुआ और फिर उसने अपनी लाइफ एंड करने की सोच ली। सुसाइड करने से पहले एक लाइटिंग बोल ने उसे स्ट्रक किया। इस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। डेविड को पता चला कि इस लाइटनिंग ने उसे पावर्स दिए। इन पावर्स की मदद से वो किसी के भी लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर सकता था। पावर्स मिलने के बाद उसने अपने वाइफ को रिजरेक्ट करने का सोचा। ये पावर्स की मदद से उसने अपने लाइफ को ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक एक्सपैंड किया और इसी दौरान उसने एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म किया। सेकेडा को जब फ्लैश के बारे में पता चला तो उसे लगा कि दोनों किसी तरीके से लिंक्ड है, क्योंकि दोनों को ही पावर्स लाइटनिंग से मिली थी। फ्लैश के बारे में जानने के बाद उसने अपनी वाइफ को रिजरेक्ट करने का प्लान बनाया। उसका प्लान ये था कि वो उन सारे लोगों को सैक्रिफाइस करेगा जिन्हें फ्लैश ने सेव किया है। फिर सेकेडा ने अपने फॉलोवर्स को इन लोगों का मर्डर करने के लिए भेज दिया और फिर उसने मैगेंटा के साथ टीम अप किया फ्लैश को कैप्चर करने के लिए। फ्लैश को कैप्चर करने के बाद सेकेडा ने उसे अपनी हिस्ट्री एक्सप्लेन की और फिर लाइटनिंग बोल्ट टैगर और फ्लैश की मदद से उसने अपने वाइफ को रिजरेक्ट किया। रेजरेक्शन के बाद उसके वाइफ ने रिवील किया कि सेकेडा ने ही उसका मर्डर किया था। ये रिवील होने के बाद सेकेडा ने वापस अपने वाइफ का मर्डर किया। हर विलेन की स्टोरी कहीं ना कहीं खत्म होती है। इसी ओरिजिन स्टोरी में फ्लैश ने सेकेडा को डिफीट किया। इस विलेन का कॉमिक में काफी शॉर्ट रन था। अगर हम सीजन 5 की बात करें तो इस शो के राइटर्स ने सेकेडा की ओरिजिन स्टोरीज और पावर्स में काफ़ी चेंजेस किए। जैसे कि इसमें सेकेडा अपने डैगर की मदद से मेटा ह्यूमंस की सुपर पावर ऑब्जर्व कर सकता है और इसका ये डैगर थॉर के हैमर के जैसा एक्ट करता है। अभी तक के एपिसोड में सेकेडा के ट्रू पावर्स रिवील नहीं किए, तो आने वाले एपिसोड में हमें इसके ट्रू पावर्स के बारे में पता चल जाएगा। जहाँ तक कॉमिक सेकेडा और इस टीवी सीरीज के सेकेडा की बात है, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है और वो है लाइटनिंग शेप डैगर। तो ये थी सेकेडा की ओरिजिन स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।